तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मार्केट में अभी आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट का सीन देखने को मिला है और अभी थोड़ा सा ना मेक और ब्रेक पे मार्केट खड़ी हुई है मतलब यहाँ से मार्केट ही की भी साइड मूव कर सकती है और वायलेंट मूव कर सकती है अभी देखेंगे क्यों ठीक है सबसे पहले बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आया बराबर है हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी लास्ट अपना इसमें फ्राइडे वाले दिन कि अगर फोर्टी फोर थाउजेंड वन फिफ्टी के आसपास कोई एक्शन मिलता है तो बाइंग साइड में लेगी लेकिन उसने सब तोड़ दिया अभी निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में तो ब्रेक डाउन प्रॉपर इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है ठीक है लेकिन इसने आपका यहाँ पे क्लोजिंग दी हो मतलब हमें एग्रेसिव सेलिंग कहाँ पर पॉइंट मिल रहा है करने को फोर्टी के अगेन नीचे क्यों बिकॉज़ यहीं से आपका ब्रेकआउट आया था अगर ये वापस से जाना शुरू करती तो ये ये वाले लेवल भी आपका टेस्ट कर सकती है और आने वाले टाइम में फिर नीचे के लेवल्स भी आपको टेस्ट करने को मिलेंगे बिकॉज़ क्यों ऐसा हो रहा है ये ब्रेकआउट कैंडल थी और ये एक आपका फॉल्स ब्रेकआउट था फॉल्स ब्रेकआउट में जब भी मार्केट आपका नीचे आती है तो बहुत तेज़ी से आती है या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन में जब मार्केट ऊपर जाती है तो बहुत तेज़ी से जाती है फॉर एग्जाम्पल आपका इससे पहले भी एक बार जब आया था मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे था ये देख रहा है ब्रेकआउट कैंडल थी उसके बाद यहाँ से आपका नीचे आता चला गया तो यानी कि हमें फोर्टी फोर थाउजेंड वन फिफ्टी का लेवल को मार्क करके रखना है कि वहां से मार्केट नीचे जाती है और उसको डिफेंड करती है वेयर एस फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड अभी आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो भी बुरिश फिर वापस मोमेंटम एग्रेसिव बाइंग का शुरू हो जाएगा क्यों बिकॉज यहाँ से मार्केट ने एक रीटेस्टिंग कर लिया यानी कि हमें वन फिफ्टी से लेके आपका ये फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये देखना है ठीक है बाइंग साइड में अगर डेटा स्ट्रांग होगा तो ही मैं बाइंग को प्रेफर करूंगा 44,500 के ऊपर भी वरना अभी जब तक ये क्रॉस नहीं क्लोजिंग नहीं देगा मतलब क्लोजिंग चाहिए क्लोजिंग इसके ऊपर ऐसे आई ना क्लोजिंग ऊपर आ गई तो ये थोड़ा ठीक है क्लोजिंग अगर क्लोजिंग नीचे इसकी वजह तो तो से तो फिर मैं आपसे कहता है एग्रेसिव सेलिंग का आ गया आपको ना नाइन ना, फिफ्टी हंड ना, आपको शॉर्टिंग का साइड मिल सकता है तो फिलहाल इसमें अगर आप देखोगे तो अपने को लेवल मार्क कर लिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं सब अभी मैं आपको स्टॉक्स भी दिखाऊंगा थोड़ा सा तो उसमें आपको कंफ्यूज कर रहा है एच बैंक ने अपना ब्रेकडाउन दे दिया है ठीक है एक्सिस बैंक अभी ऊपर पे चल रहा है आपका एस ने भी ऐसा ब्रेकडाउन नहीं दिया आई बैंक ऊपर चल रहा था थो। थोड़ा सा मिक्स है क्वेश्चन लेकिन ये यहीं पे आपको याद होगा हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं इसको कि मार्केट यहाँ पे अपना कंसलट करिए तो ये वन वे में तो नहीं दौड़ने वाली थी चेहरा हम लोगों ने देख लिया उसके बाद इसने आपका एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी अगले दिन ही इसने फॉल्स कर दिया और मार्केट आपका नीचे आ गया ठीक ये अपना बैंक निफ्टी का है चलते हैं अपन निफ्टी पे उसके बाद फिर स्टॉक्स पे आएंगे डाउन निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो ब्रेकडाउन निफ्टी ने दे दिया है ठीक है जैसे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग उस एरिया के नीचे नहीं करी थी ये एक एरिया था बैंक निफ्टी में इमेजिन करो अपने आप को कि आप बैंक निफ्टी के उस वाले चार्ट पे हो तो उस वाले चार्ट में एक कंसोलिडेशन एरिया था ये यहाँ पे था लेकिन इसने क्लोजिंग इसके नीचे दे दी जो कि आपका टू सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव टू एट्टी का जोन था नाइनटीन टू एट्टी के नीचे यानी पहला ब्रेकडाउन का सिंबल हमें निफ्टी में तो मिल गया अगर इसको फॉल्स होना होगा तो यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा लेकिन इसमें अगर आप बैंक निफ्टी को एक बार भूल जाओ तो निफ्टी ने आपका फॉल्स ब्रेकआउट का अपनी कंडीशन पूरी कर दी तेजी से अपनी नीचे की लोअर रेंज को टेस्ट कर दिया हमने ट्रेड शॉर्टिंग के लिए थे ट्रेड से वो अपना आ, स्कैल्पिंग के प्रॉफिट वगैरह और लॉस वगैरह लेके निकल गए थे कर ही लॉस था बड़ा ना ही प्रॉफिट था ठीक है यहाँ पे अच्छा दिन बहुत खराब था मैं एक चीज देखता हूँ फ्राइडे वाले दिन ना बहुत बहुत ज्यादा आपके फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आते हैं बहुत ज्यादा ठीक तो फ्राइडे को थोड़ा सा कॉशियस रखना चाहिए ठीक तो निफ्टी का क्या है निफ्टी तो अगेन आपका इसका लोड टूटेगा टू फिफ्टी के नीचे जाएगी तो आप फिर से शॉर्टिंग की मिल जाएगी बिकॉज ये आपका क्लियरली सिग्नल है वेयर इज बाइंग आपको केवल इसके ऊपर ही टू जोन पे करनी है जो कि है जब तक ये फोर ट्वेंटी फाइव क्रॉस नहीं करेगा निफ्टी आपकी सेल ऑन राइज की होगी अभी हम लोग आई टी का भी चार्ट देखेंगे ये चीज सेम मैंने आपको टेलीग्राम के फ्री वाले में करी हुई थर्टी वन थाउजेंड कितना था वन सेवनटी से लेके टू हंड्रेड ये जोन जब काटेगी तभी निफ्टी में बुलिशनेस आप दिखाना उससे पहले निफ्टी में मत दिखाना नीचे के लेवल पे आ जाए बात अलग है अब आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक एक वन वे रैली थी ये ब्रेकआउट पॉइंट था कौन सा था एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है ऑब्वियसली मैंने एक चीज देखी है अभी तक पास के उसमें भी अगर ये इसको मार्केट को वापस यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा ऊपर के तो इस लेवल को टेस्ट भी नहीं करेगी वो एटीन या नाइनटीन के से ही लौट के आ जाएगी नाइन फिफ्टीन एट नाइनटीन थाउजेंड नाइनटीन थाउजेंड फिफ्टी वहीं से लौट जाएगी तब हो जाएगा लेकिन अगर इसको टेस्ट करके इसके नीचे आएगी फिर तो बहुत ही ज्यादा पेन है जो कि अभी लगता नहीं है इतनी आसानी से जाएगी ठीक है ऊपर अपने लोगों ने फोर फोर ट्वेंटी फाइव के रेंज मार्क कर लिए तो इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तो मार्केट में अपना डायरेक्शन क्लियर है सेल ऑन राइस टिल फोर ट्वेंटी फाइव उसमें फाइव हंड्रेड के ऊपर ही क्लोजिंग ट्रेड छूट जाए एक दिन को एक दिन को पॉज लेना क्योंकि ऐसा नहीं होगा अगर बुल ट्रेंड आने वाला होगा ना मतलब तेजी मार्केट में आएगी तो 200, दो चार सौ पांच सौ पॉइंट की नहीं आएगी फिर दो तीन हजार पॉइंट की आएगी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो टिल देन अपना वर् दे का है अभी चलते हैं इसके डेटा पे और डेटा पॉइंट्स में देखते हैं इन निफ्टी के अपने ऑप्शन चेन आ गई ठीक है ह्यूज कॉल राइटर्स है मतलब कॉल राइटिंग का अमाउंट काफी ह्यूज है ठीक है एट्टी सिक्स लैख थर्टी थ्री फोर्टी एट लैख पुट राइटर्स की मैं बात करता हूँ तो पुट राइटिंग तो अभी क्योंकि मार्केट आपका ऑल टाइम मतलब काफी नीचे क्लोज हुई है तो पुट राइटर्स ये बहुत एग्रेसिव मुझे नहीं लगता कि होंगे अभी ट्वेंटी फोर लैक थर्टीन ग्लोबल मार्केट अभी सारी ऊपर है मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्राइडे को जो मार्केट थी वो सारी ऊपर है लेकिन हम लोगों को अनबाइज होकर करना है कि फॉरगेट अबाउट क्या बाहर होकर है आएगा तो लेवल्स अपने तो ऊपर मार्क है एक दिन की ट्रेडिंग ट्रेड छूट जाएगा अभी मैं नीचे का लेवल हम लोगों ने नोट नहीं करें कि अगर नीचे उस लेवल पर आएगी तो बाइंग का अटैप्ट कौन सा है सपोर्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं अभी इस पर चलते हैं तो नाइनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड है नाइन्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड यानी टू हंड्रेड्रेड्रेड्रेड तो आपका बाई डिफॉल्ट सपोर्ट का काम करना चालू कर ही देता है ठीक है 19,200 तो अभी इस पे ऑप्शंस में देख रहे हैं बिकॉज सिक्स सबसे ज्यादा वहीं पे ही है देखते हैं वो टूटते हैं टूटते हैं लेकिन अगर 250 फिफ्टी निकल नीचे जाएगा तो फिर से सेल ऑन राइज ही मार्केट होगी हर उछाल पे बेचने को ही मिलेगा ठीक है चलते हैं अच्छा कल ओपन का होती है वही बहुत इंपॉर्टेंट अभी चार्टे वापस चलेंगे पहले बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी टेन लैख ट्वेल्व लैक, लैक यहाँ पे आपके ह्यूज कॉल्स हैं और यहाँ पे आपके पुट्स हैं वही अगेन आप देख रहे हो हंड्रेड परसेंट पुट बढ़िया यानी आपका नाइन्टी रुपीज़ वाली पुट वन एट्टी हो गई है तो ये पुट राइटर्स हैं या नहीं वो देखना पड़ेगा लेकिन कल पता चलेगा कि कैसे क्या मार्केट को मेक कर रही है ब्रेक पे जा रही है अगर ब्रेक जाएगी तो फिर भी मार्केट में ऐसे पाँच सौ हज़ार पॉइंट निफ्टी बैंक गिर जाएगी तो मुझे भी कोई उसमें वो नहीं होगा आश्चर्य ठीक है मतलब कल नहीं गिरे परसों गिरे मतलब आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ मैं अभी अगर मैं इसकी बात करता हूँ ब्लंटली आप देखोगे तो थ्राइस नाइन लाइक ओके एट लेकिन मतलब तकरीबन दो गुना है थ्राइस नहीं दो गुना है तो वो आपके हैं और सबसे ज़्यादा आपका बैठे जो है फोर्टी फोर थाउजें फाइव हंड्रेड ऑब्वियसली यही है इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए तभी अपने को क्लोजिंग याद रखना क्लोजिंग क्यों कहता हूं मार्केट इज ओपन बाय अमेर एंड क्लोजिंग बाय प्रोफेशनल है ना तो जो क्लोज करता है वो अगला दिन का रिस्क लेके जा रहा है तो इसलिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है रदर देन कभी कभार ओपनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज क्यों क्योंकि क्लोजिंग वाले लोग अगर फंस ना गए हो अगर ओपन इमेजिन करो मैं क्लोजिंग पे बाय करके गया हूँ और मार्केट खुलो ही ओपन जो अभी हुआ था आपका थर्सडे वाले दिन तो हम लोगों ने क्या कहा था प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग वाले को फायदा देखेगा तो सेलिंग आएगी अगर क्लोजिंग हुई है ऊपर और मार्केट खुली गैप डाउन तो क्लोजिंग वाले क्या करेंगे पैनिक कर सकते हैं तो मार्केट नीचे आ सकता है या फिर मार्केट को ऊपर ले जाकर फिर नीचे ला सकते हैं तो हमेशा ना क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर जब भी आप देखते हो तो अभी चलते हैं वापस से चार्ट पे इंटरडे में हम लोगों ने रेस्ट तो देख ली बट सपोर्ट पॉइंट्स कौन सा है नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है यहाँ पे आपको ऑब्वियसली एक सपोर्ट एरिया मिलेगा क्यों बिकॉज ये गैप फिल कर दिया गैप फिल करेगा तब तो ये ये ना, है ना ये गैप है ये गैप आपका सपोर्ट का काम करते हैं ये गैप दिख रहे हैं अगर ये होता है फिर आपका नेक्स्ट लेवल कितना आ रहा है तकरीबन तकरीबन तो, uh, 80, 80 के आसपास ये सारे गैप्स हैं है ना तो ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है वो गैप फिल कर सकता है बैंक निफ्टी में सपोर्ट देखते हैं आप इसमें टू और नाइनटीन नीचे की सपोर्ट अपने दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी का पैसा है बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव सेवेंटी थ्री एक आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और फोर्टी फोर थाउजेंड तो कल का लो था देखो फिर वही चीज़ होगी सेम अगर ये वन साइड में आपकी नीचे गिरेगी मैं उतना एग्रेसिव नहीं हूँ अगर ये मार्केट नीचे आती है फिर इस तरीके से जाती है तो आपको फिर ट्रेड अच्छा मिलेगा अगर फोर्टी फोर थाउजेंड के नीचे फिर अपना दो सौ तीन सौ पॉइंट का होगा याद रखना अभी बैंक निफ्टी में सात सत्तर आप देख रहे हो अगर इंडेक्स की एडवाइजरी की परफॉर्मेंस तो मैं कभी भी अस्सी पॉइंट ज़्यादा का लॉस नहीं ले रहा हूँ बिकॉज क्यों विक्स कम है अभी जब विक्स कम होती है ना तो आपके स्टॉप लॉसेस अगर अगर 80 पॉइंट से बड़ा रख रहे हो 200 पॉइंट 250 पॉइंट का है दैट मींस आपकी एंट्री ठीक लेवल पे नहीं है या फिर आपसे एंट्री मिस हो गई है, है ना तो वो चीज़ है तो स्टॉप लॉस अस्सी सौ पॉइंट का लोगे ताकि जब भी दो सौ पॉइंट अगर आ जाते हैं तो वो अपने को कवर कर देंगे एक आधा स्टॉप लॉस को ठीक है ये हो गया बैंक निफ्टी चलते हैं अब स्टॉक्स पर जो इंपॉर्टेंट है ये है इसको वीक पे कन्वर्ट करता हूँ मैं पहले इसके चक्कर में मैं थोड़ा सा परेशान हूँ बस और कुछ नहीं है यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ये वीकली चार्ट ठीक है ये बना है आपका डबल टॉप करेक्ट हम लोगों ने आप ट्रेंड लाइन वाली फुल वीडियो देख सकते हो 35 मिनट्स की वीडियो आई थिंक 30 35 मिनट्स की उसमें मैंने आपको एक चीज बताई है कि डबल टॉप जब बनता है और उसके बाद जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो अच्छा मिलता है हम लोगों ने ये चीज देखी हुई थी 1620 के नीचे जो वीकली एनालिसिस करी थी डेली एनालिसिस में जो स्टॉक्स एनालिसिस करी थी ये ब्रेक डाउन पॉइंट था उसके बाद सेकंड पॉइंट था फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ये पॉइंट भी इसने ब्रीच कर दिया तो अब ये इसका नेक्स्ट लेवल कहां तक निकल के आ रहा है पंद्रह सौ बीस तक का और यहाँ तक का तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है इंटरडे में बाउंस वगैरह मिल जाए लेकिन जब भी सोलह जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक मैं बैंक निफ्टी में ओवर पुलिस नहीं होने वाला ठीक है ना तो ये अपना हो गया एच बैंक का अभी इसको इंटरडे में भी करते हैं मैं आपको वीकली चार्ट आपने देख लिया इंटरा में आते हैं इसने तो एक बार भी अच्छा वो दिखाया नहीं यहां पे अगर आप देखोगे ये आपका ब्रेक डाउन पॉइंट है यानी कि इंटराडे के अंदर जो हम लोग मंडी की मैसेज कर रहे हैं उसकी अपर रेंज क्या निकल के आ रही है आपकी रेंज में क्या होता है स्टॉक्स में मैं फिर बताता हूँ क्योंकि कुछ लोग नए भी होते हैं तो उनको पता नहीं होता पहले से देख रहे होते हैं कि अगर सारे स्टॉक्स लोअर रेंज पर जाते हैं और फिर वहाँ से रिवर्स करना शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का टॉप या निफ्टी का टॉप बॉटम बन जाता है सॉरी टॉप नहीं बॉटम अगर रेजिस्टेंस पॉइंट से सारे आ जाते हैं और फिर वहाँ से लौट रहे होते हैं तो वहाँ पर उसका टॉप बन जाता है यानी कि हमें बाइंग और सेलिंग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिलती है अगर स्टॉक सारे ब्रेकआउट देना शुरू करते हैं तो मार्केट आपका ऊपर की तरफ ट्रेल करना चाहिए अगर सारे स्टॉक्स आपके ब्रेकडाउन देना शुरू करते हैं तो आपको शॉर्ट की साइड सोचा सही लंबे पॉइंट्स के लिए ठीक है तो ये अपना लॉजिक होता है अभी फिलहाल इसमें कौन सा ऊपर का निकल कर रहा है फिफ्टीन सेवेंटी फाइव और एट्टी ये ऊपर की रेंज है नीचे का ये ब्रेक डाउन पॉइंट ही होगा ऑब्वियसली फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टी के आसपास सॉरी फिफ्टीन सिक्सटी के आसपास और नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको कोई लोव लेवल पीछे भी दूर दूर तक है नहीं इसलिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन वाइज आप देखोगे तो हो सकता है ओवरसोल्ड में जाके एक दिखा देगा दिन में लेकिन कोई लेवल नहीं, नहीं है ना तो अननेसरी लेवल क्या बनाना है यहाँ पे आ रहा है मार्च के महीने में जो आपका फिफ्टीन सिक्सटी है और आपका फिफ्टीन ट्वेंटी ठीक है नेक्स्ट स्टॉप अपना देखते हैं आई सी आई सी बैंक का आई सी आई सी बैंक जो है वो अगर आप देखोगे तो इसका नीचे का पॉइंट कहाँ से गिरना शुरू होगा अगर ये होगा तो नाइन हंड्रेड यहाँ पे पॉइंट है ना ये एक तो ये आई रहा है नाइन सिक्सटी सिक्स का ठीक है और दूसरा आपका नाइन सिक्सटी फाइव ऊपर की रेंज ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा है 977 का 76 के आसपास का और नीचे आपका सपोर्ट कहां पे आ रहा है पहला सपोर्ट आपका मिलेगा 966 पे और दूसरा सपोर्ट पॉइंट जो है आपका 960 960 पे तो 960 और 66 है एक यहाँ से लौटे अगर ये मान लो आई बैंक ये तोड़ रहा है और आई बैंक भी गिर रहा है तो बैंक निफ्टी को तो पांच पॉइंट गिर जाएगी ना वहाँ मतलब फोर्टी थ्री टच कर सकती है फिर तो ये अपना आ गया ठीक है बोलिश कौन है इसके ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा यहाँ से यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉकर करोगे कंसोलिडेट हो रही है ठीक है अगर इसके ऊपर नाइन सेवनटी सेवन के ऊपर ही ठीक नेक्स्ट आते हैं अपने लोग एस बी आई पे ठीक है ना एस बी आई में अगर आप देखोगे वन आवर का चार्ट पे यहाँ पे कितनी विक्स दिख रही हैं याद रखना जब भी ना इसमें मैंने तेजी का नहीं दिख रहा अभी साइन लेकिन जब भी इसमें तेजी आएगी फाइव सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव के ऊपर तो नाइनटी तक ही रुकेगा ये क्यों बिकॉज शॉर्ट सेलर्स ने जब भी हम वन आवर का चार्ट देखते हैं ना

तो 568 के नीचे ब्रेक डाउन पॉइंट फाइव ऊपर की रही ठीक है नेक्स्ट आता है अपना निफ्टी आई टी यही पॉइंट था जहाँ से हम लोग मार्केट आपका बार बार लौट रहा था कौन सा है ये वाला एरिया है ना यही चीज़ हम लोगों ने टेलीग्राम पर भी देखी थी कि 31,200 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक निफ्टी में हम लोग बुलिश नहीं होंगे अब वो लेवल सड़क के थोड़ा सा नीचे आ गया है कौन सा ये लेवल जहाँ पे आपका ये आ रहा है ये कौन सा है 30,960 मतलब 960 से लेके 31,000 वन ठीक है ब्रेक डाउन पॉइंट कौन सा होगा इसका ऑब्बियसली इसके नीचे आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है वो कौन सा थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है सपोर्ट कहाँ पे है इसका सपोर्ट है समवेयर अराउंड थर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और इस जगह पे जहाँ पे आपका ये पॉइंट है जहाँ पे कंसोलिडेशन कंसल्टेशन है तो ये अपने निफ्टी आई टी के चार्ट होगा रिलायंस कॉल बचा है वो देख लेते हैं वो और रिलायंस भी अपना रुकने का नाम नहीं ले रहा है ठीक है कोशिश करता है ऊपर जाने की ये अपना ब्रेकडाउन पॉइंट था ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा इससे नीचे आ गया था उसके बाद अपना नीचे आया था ठीक ये अपने को मिल गया क्या पता क्या था इसमें एस एलिटू हुआ था हमारा ट्वेंटी फाइव बाय किया था क्यों एसा लिटू हुआ था क्योंकि यहाँ पे लग रहा था ये फॉर्स ब्रेकडाउन ही कैंडल हो सकती है ये कैंडल ब्रेकडाउन आने जब इसके ऊपर निकलना शुरू होगा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी हम लोग प्री अटैम्प्ट करते हैं इंडेक्स में भी अगर आपने देखा होगा अगर ब्रेकआउट आने से पहले हम लोग बाय करते हैं फिर ब्रेकडाउन आने से पहले सेल हो जाता है रीज़न क्या है कि प्री अटैम्प्ट करते हैं ठीक है ताकि फॉर्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की चिंता ना रहे बट ये अपना नहीं हुआ वो नीचे आ गया इसकी सपोर्ट कौन सी थी टू इसको इसने तोड़ दिया अगर कल ही वापस इससे नीचे आना शुरू करता है तो फिर इसमें भी दिक्कत है फिर तो निफ्टी को रुक बचाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सपोर्ट कौन सा है टू फोर समवेयर अराउंड टू फोर फोर आ, टू जीरो के आसपास ठीक है पहला सपोर्ट तो आपका ऑब्वियसली ये होता है टू फोर सिक्स जीरो के आसपास अभी तक जितनी भी एनालिसिस आपकी हमने अभी तक देखी है वो सारी बाइजनेस नेगेटिव की तरफ है क्यों नेगेटिव की तरफ है बिकॉज ह्यूज कॉल राइटिंग ठीक है निफ्टी ने ब्रेक डाउन पॉइंट दे दिया है बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बुरी नहीं दी है वन के ऊपर दी है ये सारी कंडीशन तब होगी जब बैंक निफ्टी वन फफ्टी तोड़ेगा वो टू तोड़ेगा तो क्यों ऐसा कह रहे हैं बाइजनेस क्यों नेगेटिव बिकॉज कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग है ना अब पुट राइटिंग कल का दिन अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर से सेलिंग आपको देखने को मिली थी जबकि हम लोगों ने कल फ्राइडे के दिन ये प्रेडिक्ट किया था ये कोशिश की थी कि मार्केट अभी 44,150 नीचे की रेंज होगी और 400-500 आपकी ऊपर की रेंज होगी अगर आपका गैप डाउन खुलता है तो लेकिन वो नहीं हुआ मार्केट अपना उसने भी स्लाइड किया दैट मींस वो शो कर रहा है मार्केट में ऊपर उप, के लेवल्स पे आके सेलर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं तो थोड़ा सा इसलिए अप्रोच है हाँ अगर 44,500 फोर की ऊपर की क्लोजिंग मिलती है और इसमें वापस से अपनी 425 निफ्टी की क्लोजिंग मिलती है या फिर हम लोगों ने इन, आ, आई वगैरह देखे तब हम लोग बुलिश होना शुरू कर देंगे फिर वहां से आपको तेजी बड़ी भी देखने को मिल सकती है वो चीज ध्यान रखना अभी का केस क्या दिख रहा है फॉल्स ब्रेकआउट का दिख रहा है तो मंडे को ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और खुलते ही ट्रेड थोड़ा सा कम क्वांटिटी में देखेंगे ना अगर करना भी है तो लेकिन उसका थोड़ा सा वेट करना पता चलेगा कि मार्केट एक्चुअली मंडे को डिसाइड होगा कि मंडे या ट्यूसडे के अंदर ही कि अब जैसे पिछले मंडे ट्यूसडे को डिसाइड हो रहा था ना कि आपका मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उस टाइम उसने ब्रेकआउट दे दिया लेकिन थर्सडे के दिन उसने क्या करा फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया मतलब वापस से मार्केट नीचे आकर निफ्टी का तो क्लासिक केस फॉल्स ब्रेकआउट का था ऊपर जाकर एक दिन उसने टेस्ट नीचे कर दिया है ना देखते हैं बैंक निफ्टी करता है, नहीं करता मंडे टी टूज में अपने को पता ही जाएगा तो आई होप को समझ में आया होगा आज के लिए इतना ही नेक्स्ट सेशन